ख्वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे मिस्टर उस्मान से, जो कि खजाने डॉट पी के सीईओ और फाउंडर हैं। खजाने इज अ शू थ्रिफ्टिंग स्टोर स्टार्टअप व्हिच हैज बीन डूइंग वंडरफुली फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स। यू हैव आल्सो सीन मी प्रमोटिंग इट। आपने काफी वीडियोस जो देखी होंगी उसमें शायद मेरी ही शक्ल आपको नजर आई होगी। तो आज हम डाउन एंड डर्टी होंगे उनके साथ, बताएंगे कि बिजनेस के अंदर क्या है, क्या इंसाइट्स मिल सकती हैं, और जो लोग इस स्नीकर वर्ल्ड से थोड़ी बहुत वाबस्तगी रखते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें इस एपिसोड के अंदर। लेट्स गेट राइट इनटू इट। उस्मान भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अभी अभी हम मिले हैं। बिल्कुल। क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? खजाने चल रहा है। खजाने कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, जो लोग हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं, आई थिंक उनको तो सबको पता होगा खजाने क्या है मेरे थ्रू, बट जिनको नहीं पता तो आई वॉन्ट कि आप जरा आवाम को बताएं कि खजाने डॉट पी के है क्या। अच्छा, खजाने डॉट पी के बेसिकली ऑनलाइन वेबसाइट है। सही है। जहाँ पे हम सेकेंड हैंड शूज़ को रिफर्बिश करके, ठीक है, रिफर्बिश का मतलब वही क्लीन करके और पिक्चर विक्चर लेके उसको ऑनलाइन रिटेल करते हैं। सही है। तो इन शॉर्ट, खजाने जो है वो एक स्नीकर स्टोर है बेसिकली, जहाँ पे जूते हम सेल करते हैं। सही। अच्छा, मुझे हमेशा से ना एक कॉन्सेप्ट खटकता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ना हम बोलते हैं सेकेंड हैंड या यूज्ड, बाहर जो है ना इसका एक बड़ा कूल वर्ड बन गया, प्री लव्ड एंड थ्रिफ्ट। तो आप लोग प्री लव्ड एंड थ्रिफ्ट क्यों? देखिए, आपका भी, आपने बाय डिफॉल्ट बोला सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड क्यों? हमने इसको थ्रिफ्ट, हमारी बाय द वे एक रिटेल आउटलेट भी है जमजमा पे, वहाँ पे हमने नीचे खजाने के साथ नीचे लिखा हुआ थ्रिफ्ट स्टोर। सही। बट आई थिंक जो बाहर घुमा हुआ है ना बंदा, उसको थ्रिफ्ट का पता है, थ्रिफ्ट का क्या मतलब है। बट जो हमारे वो लोग जो जिनको इतना ज़्यादा आगे पीछे नहीं, पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, ठीक है, तो थ्रिफ्ट का जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना कोई भी इस्तेमाल कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है। हाँ। पाकिस्तान में हमेशा से सेकंड हैंड लुंडा, ठीक है, बहुत ही घटिया लफ्ज़, बहुत ही तो यही हो रहा होता है जब ऐड के नीचे जो है ना कमेंट्स आते हैं, यार लुंडा के तो ये लुंडा बेच रहे हैं, तो आप बंदा इसको क्या बोले यार। बट यस, बाहर जो है वो थ्रिफ्ट का वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। पाकिस्तान में हमने थ्रिफ्ट लिखा हुआ है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा पुश नहीं करते, क्योंकि लोगों को नहीं इतना ज़्यादा समझ आता। या तो हम इसको एजुकेट करें, आहिस्ता हो रहा है, प्री लेफ्ट का भी लोगों को समझ आ रहा है व्हाट इज़ प्री लेफ्ट। बट ये कि यस, सेकेंड हैंड जो है वो मिडिल हो, हाँ, वो सबको समझ आता है सेकेंड हैंड का क्या मतलब यार, क्योंकि थ्रिफ्ट तो बाहर बड़ा कूल हो गया है, बल्कि थ्रिफ्ट पे तो जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो एक्चुअली कभी कभी ओरिजिनल प्राइस की चीज़ों से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो रेयर है। एग्जैक्टली। ओहो, ये पीस तो आपको जो है ना और कहीं मिलेगा नहीं, थ्रिफ्टेड है। तो वो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स थ्रिफ्टेड का एक बड़ा वर्ड यूज़ करते हैं, did this from here. बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि जनरली सेकेंड हैंड का, अगेन जो हमारे यहाँ स्टेरियोटाइप है वो, बचपन में हम ये सुनते थे कि यार सेकेंड हैंड लोग वो लोग लेते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, सेकेंड हैंड चीज़ें वो लोग लेते हैं जो ज़्यादा अमीर नहीं होते। अगेन स्टेरियोटाइप बता रहा हूँ, नॉट दैट आई बिलीव इन दिस। एंड देन वी सॉ कि भाई आप हैं और बहुत सारे और बिजनेसेस हैं जिन्होंने थ्रिफ्ट या सेकेंड हैंड या प्री लेफ्ट को बड़ा पुश करना शुरू कर दिया। तो जो वो एक कल्चरल स्टिग्मा है कि यार किसी की क्या उतरन किसी की उतरन हम कैसे पहन सकते हैं, हम बहुत वो हैं, वो कैसे आप लोग बाहर, ये बिल्कुल भी नहीं, बाहर बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं भाई वो, बल्कि बाहर तो उल्टा है। बाहर पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू, अभी मैं पढ़ रहा था स्टडी के पीपल जो अभी नई जनरेशन आ रही है, दे आर विलिंग टू पे मोर फॉर अ थ्रिफ्टेड प्रोडक्ट। उसमें वो सस्टेनेबिलिटी है भाई, आप एक सेकेंड हैंड जिसको आप एक और लाइफ दे रहे हो, तो इवेंचुअली उसका हेड जाके एनवायरनमेंट को पड़ता है, जो फैक्ट्रीज हैं वो कम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि भाई उनकी लाइफ एक प्रोडक्ट की ज़्यादा हो रही है। बाहर तो उल्टा है, बट यस, पाकिस्तान में मैं व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2015, आठ साल हो गए, तो उस वक्त जो थे मतलब खजाने वॉज द ओनली वन ऑपरेटिंग इन दिस डोमेन, ठीक है, तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा हमें ये चैलेंज आया था, ठीक है, ये स्टिग्मा ये वो। इनफैक्ट यार मेरे अपने घर में भी, मतलब व्हेन आई गॉट मैरिड अराउंड द सेम टाइम एज वेल, अच्छा, ठीक है, व्हेन आई वाज सेलिंग लुंडा, सही, ठीक है, तो ये प्रोपोजिशन लेकर आप एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो एक और, दैट्स अनदर स्टोरी, कि उस वक्त मैं एक और काम में भी साथ था, तो आई पुश्ड दैट बिजनेस फॉरवर्ड कि भाई मैं ये काम करता हूँ। आई वाजंट लाइक वेरी ओपन अबाउट कि मैं पीछे खजाने, क्योंकि ऑब्वियसली स्टिग्मा, ठीक है,
तो उस वक्त काफ़ी जो था ना वो हम देखते भी थे, एडवर्टाइज भी जब करते थे तो बहुत से हमें यार ये लोग ये बेच रहे हैं, देखो ये भी अब बिकने वाली, ये भी बिकने वाली चीज़ होगी ऑनलाइन, ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इसको काफ़ी हद तक, और फिर ये है कि खजाने बिकेम इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ अदर स्टार्टअप्स, अदर मतलब जो और बिजनेस इसी फील्ड में आए, तो एक जो एक अब कंबाइंड इफेक्ट जो आ रहा है ना पब्लिक पे, वो अब ये है कि ज़्यादा एक्सेप्टेबली बढ़ती जा रही है। तो इट टुक सम टाइम बट अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना ज़्यादा लोगों को नहीं होता, अब वो वाले कमेंट्स बहुत कम हो गए, क्योंकि वो 10 लोगों के और भी एड्स देख रहे होते हैं यार कि ये भी वो बेच रहे हैं, ये भी वो बेच रहे हैं, तो अब वो कम हो गए। अच्छा, कराची के अंदर आपका सेटअप है, कराची के अंदर बिफोर एनी ऑफ दिस हैपेंड देयर वाज लाइट हाउस, बिल्कुल ठीक है, एंड संडे बाजार एंड ऑल ऑफ दैट। और अगेन मैं फिर वही बोलूँगा कि उस वक्त जो एक यू नो उसके साथ एक अटैच था कॉन्सेप्ट, वही था कि भाई यहाँ पे वही लोग जाते हैं जिनको जो मेन आउटलेट से नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अच्छा, आई फील लाइट हाउस की पोजीशनिंग भी आप लोगों के आने के बाद बिल्कुल चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गई है, बहुत चेंज हो गई, जिसमें मेरा भी बहुत हाथ है और मुझे बड़ी गालियां पड़ी हैं कराची वालों से। बट मैं आपसे पहले पूछूंगा, बड़े मजे का इंसिडेंट, मैं अभी गया था यही एक स्टोर पे, उस बंदे को नहीं, खैर अब मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं, मुझे सबका पता होगा, सबको मेरा पता होगा, तो उठाया मैंने जूता, तो उसने आगे से मेरी वेबसाइट के नाम लिखे, खजाने वाले इतने का बेचते हैं बोला अच्छा ठीक है, वो बहुत सीख गए, हाँ सीख गए, बहुत सीख गए, बिल्कुल बिल्कुल। तो डू यू थिंक वो लाइट हाउस वाला जो एक पूरा सेक्टर है, जो पूरी मार्केट है, इज दैट स्टिल कॉम्पिटिशन फॉर यू, या इज इट अ स्टेप अप के लोग पहले वहां जाते हैं फिर उनको समझ नहीं आता फिर वो आप लोग की तरफ आते हैं, क्या है, हाउ डज इट फिट इनटू द इक्वेशन? हाँ बिल्कुल, आई थिंक अब ऑब्वियसली कन्वीनियंस इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन का, ठीक है, और एक और चीज़ जो लाइट हाउस में नहीं होती हमारे पास होती है कि वहाँ जाके आपका अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है, अगेन कन्वीनियंस के अंदर आ गया, बट वेबसाइट पे यू कैन फिल्टर आउट अ साइज, ठीक है, वहाँ पे आप दुकान में जाओगे तो आप उसको भी नहीं पता कि यार कौन सा साइज, ठीक है, और फिर कंडीशन को भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि भाई मुझे बिल्कुल जो है ना वो मिंट चाहिए, मिंट पीस चाहिए, ठीक है। और फिर यह है कि वहाँ पे जो बार्गेनिंग चल रही होती है, लोगों को लगता है कि यार अब पठान के साथ जो है वो आपने पैसे कम करा, हाँ मगर वो, हाँ ठीक है, वो आपको स्टार्ट वही बता रहा हूँ कि वो पहले आपको बोलेगा भाई ये तो जॉर्डन का ये वाला, अब उनको जो पता चल गया वो 50,000 का भी, मैंने एक कल मुझे बंदे ने एक वीडियो भेजी थी, हाँ वो मैं रखी वीडियो, तो उसके अंदर वो यही बता रहा है कि भाई ये वो वाला मॉडल है और ये 60,000 का बेच रहा था, वो 50 या 60 का उसने बोला, बट आप वही वाली बात है, आप उससे बार्गेनिंग करने भी आओगे तो आप उससे कितने में छुड़वा लोगे, बिल्कुल 2-3 हज़ार का। तो हमारा ये है कि वी ट्राई टू प्राइस द प्रोडक्ट कि यार जितने में जो एंड जो कंज्यूमर है, ठीक है, उसको प्राइस समझ आ जाए, हाँ कि भाई ये इसकी ये प्राइस है कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा जो है वो लाइट हाउस के मुकाबले में, लाइट हाउस तो इट्स कराची बट अक्रॉस पाकिस्तान जहाँ जहाँ सेकेंड हैंड की ये मार्केट्स हैं, उधर जो है वो कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं देता, एक्सचेंज पॉलिसी नहीं देता, तो लोगों को ये एक सुकून है यार कि यहाँ से एक चीज़ गलत भी आ गई, साइज के अंदर भी गलत आ गया या पसंद नहीं आ रहा या 7 दिन बाद जो है वो चीज़ के अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो वापस हो जाएगी, सही है। तो ये एक जो है ना ऑनलाइन के अंदर, अच्छा आई फील के आई एम गोना टॉक अबाउट दिस कि मुझे बड़ा ब्लेम मिला कि मैंने लाइट हाउस के जो पठान है उनको बड़ा एजुकेट कर दिया और मेरी वजह से ये मुझे बहुत मिला है, बहुत आया मेरे ऊपर ना कि, और मेरे मीम्स बने और मजाक उड़ा के इस व्लॉगर ने जो है ना अमीर बाप की औलादें नाजायज़ औलादें और ये पहुंच गए बर्गर। आई फील के एक बड़ी इनएविटेबल चीज़ थी ये, बिकॉज आप लोगों का लाइट हाउस से कोई कनेक्शन नहीं है, लाइक यू डिडंट स्टार्ट बिकॉज ऑफ लाइट हाउस, और आप जैसे स्टार्टअप एंड देन एवरीथिंग एल्स दैट हैपेंड आफ्टर दैट, इवेंचुअली वो खड़े होने थे और उस पर जब जूता होता है उसका नाम लिखा हुआ होता है तो फिर अब वो इंटरनेट पे तो पठान भी बेवकूफ़ तो नहीं है ना, इवेंचुअली वो सर्च करेगा तो आपका तो नज़र नहीं आएगा, प्रॉब्ली असल वाले का नज़र आएगा जो असल वाली प्राइस देखेगा, तो आई थिंक वो दैट्स हाउ इट वर्क, वो डॉलर में देखता है। तो मेरे चैनल से जो स्टार्ट हुआ वो ये हुआ कि भाई अब मैंने फॉर एग्जांपल जूते का बताया कि भाई ये जॉर्डन $100 का है, अब $100 का तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि $100 के भी जूते होते होंगे, लाइट हाउस में आप पहले जाते थे उनको खुद नहीं पता होता कि उनके पास क्या है, फिर दे स्टार्ट एजुकेटिंग देमसेल्व्स एंड आई फील लाइक इसमें
वही है कि ओवरऑल इकोसिस्टम जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ, एवरीवन, इवन यू गाइस स्टार्ट एजुकेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. पहले लोग नहीं समझते थे कि ब्रांड जूते के अंदर इतना इंपॉर्टेंट होता है. वैसे लाइक जॉगर लेना है, बचपन में ये होता था भाई जूते फट गए जॉगर चाहिए, कौन सी ब्रांड का चाहिए, किस ब्रांड का चाहिए. नाइकी, नाइकी से पहले भी हमारा तो बाटा सर्विस था भाई. बाटा सर्विस, सीधी सीधी बात है, बाटा सर्विस ने ऐसी मार्केट जो है ना वो कैप्चर की हुई थी. और जो चीज़ आपको नहीं उधर समझ आती थी, मुझे याद है जब मैंने लाइट हाउस से शॉपिंग की तो वो मेरा अब्बा ये बोल के लेकर गए कि यार वहाँ पे असली ब्रांड्स होती हैं जो जो बाहर की गोरी ब्रांड है. बिल्कुल. तो मैंने बोला भाई सही है, ज़बरदस्त, तो अच्छा जूता मिलता था. तो आई थिंक दिस वॉज इनएविटेबल कि वो मार्केट बड़ी होनी थी, फैशन सेंस बढ़ना था, लोगों को स्नीकर्स का पता चलना था. बिल्कुल. जहाँ तक कि स्नीकर्स का ताल्लुक है, ऑब्वियसली यू गाइस सेल अ लॉट ऑफ रनर्स एंड एक आई थिंक सब कैटेगरी उसमें वो हाई वैल्यू लाइफस्टाइल स्नीकर्स भी होंगे. स्नीकर कल्चर आपने पिछले कुछ सालों में कैसे बढ़ते हुए देखा है? हाउ डू यू थिंक इट हैज़ गॉटन बिग? अब लोग वो समझ रहे हैं कि भाई पैसे खर्च करने चाहिए स्नीकर्स पे. एक बार तो होता था ना कि भाई जूता है कितने पैसे खर्च करें, इतने पैसे क्यों खर्च करें, फट ही जाएगा. बट वो आपने चेंज देखा है, बिहेवियरल चेंज पिछले कुछ सालों के अंदर? हमारे पास बिल्कुल बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमें अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे होते हैं कि भाई वी हैव बॉट ओवर 400 टू 500 पेयर्स फ्रॉम यू. अच्छा, 400-500 से ज्यादा जूते एक कस्टमर. वो आगे बेचने के लिए? नहीं नहीं, अपने लिए, अपनी अलमारियों. भाई जैसे आपका है ना अलमारी बनी हुई ना, उनकी इतनी फैंसी नहीं है. बट यस, वी हैव सीन लाइक पीपल बाइंग, यू नो, गेटिंग इनटू दिस हैबिट ऑफ कलेक्टर माइंडसेट बन गए, कलेक्टर ऑफ रनर्स मोस्टली. ठीक है, नॉट द जॉर्डन्स, बट ये है कि यस पीपल. और वही वाली बात है कि यार मेरे पास जो ब्रांड्स अब जैसे आते हैं उनका तो शुरू में जब लाइक 8 years back मुझे भी नहीं इतना पता था यार ये कौन सा ब्रांड आ गया. ठीक है, जब पता चला अच्छा यार ये जैसे फॉर एग्जांपल होका ओने ओने. ठीक है, आई डेंट नो अबाउट दिस ब्रांड. ठीक है, मैंने जाके रिसर्च गूगल किया, मतलब ये गूगल से आपको पता चला ओके भाई ये ब्रांड आपका $150 का जूता है, लेजिट है. हाँ, मतलब नाइकी का $100 का है तो इसका $150 का. ठीक है, ये बात अब हमने एजुकेट करना शुरू की कस्टमर्स को. इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, वी हैव गॉट ओवर लाइक यू नो हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स विच आर इक्वली, मतलब एज गुड एज नाइकी या उनसे महंगे भी निकलते हैं. जैसे ऑन क्लाउड्स हो गए, ऑन क्लाउड का लोगों को नहीं पता. ठीक है, न्यू बैलेंस का इतना नहीं, A6 का इतना नहीं पता था. ठीक है, अच्छा ये रनर की कैटेगरी है तो आई थिंक वो लोग क्योंकि लाइफ स्टाइल में ज्यादा है. हाँ. और स्पोर्ट्स में तो नाइकी और एडिडास के बाहर लोगों को पता नहीं होता. नहीं पता होता. हाँ. तो ये हमने थोड़ा एजुकेट करना शुरू किया, लोगों को समझ आया कि यार इस ब्रांड की वर्थ ये है. ठीक है, फिर जब उन्होंने ख़रीदा, उन्होंने पहना, उनको समझ आया यार ये वाकई में ये एक चीज़ है. ठीक है, होका जो है वो वाकई में इतना ज़बरदस्त जूता है, कंफर्टेबल है कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ होका वो कह रहे होते हैं यार जब ये आएगा तो आपने बस बताने और आँख बंद करके ले लेते हैं. तो दे हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग. सही है. ठीक है, ऐसी ऑन क्लाउड्स हो गए. ठीक है, जो लोग उसके पीछे पड़ते हैं तो वो मतलब वेबसाइट पे डलता है और वो गायब हो जाता है, पाँव में आई थिंक सेट हो जाता है. एग्जैक्टली. तो और फिर दूसरी बात यही है ना कि $150-$200 का जूता जो है वो अगर हम उसको $30 का बेच रहे हैं, $40 का बेच रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, तो उनको नज़र आता है यार कि मैं 5 ले लूँगा तो मुझे तब जाके उतने का पड़ेगा अगर मैं जाके नया बाहर से खरीदूँगा. अच्छा, इसमें मुझे याद है, सॉरी मैं बिफोर आई लूज माई चेन ऑफ थॉट, के तीन कैटेगरीज होती थी द लास्ट टाइम वी स्पोक. चार हो गई. अच्छा, वो भी जरा बताएं कि क्योंकि लोगों को होता है कि यार मेरे पास वो लुंडे के जूते तो फटे हुए होते हैं. मेरे पास ही बाय द वे आया है कि वो लुंडे के जूते प्रमोट करते हो और बात करते हो, ये तो लुंडे के जूतों का हाल देखो क्या होता है, फटे हुए होते हैं, सुराख होते हैं इसमें. तो अब आपके पास तो बिल्कुल न्यू मिंट कंडीशन वाली चीजें भी हैं, तो जरा उस पर भी टच करें. वीडियो को बनाए काफी टाइम. बिल्कुल, वो वीडियो आई थिंक लास्ट कोविड से पहले, कोविड से पहले, आई थिंक ड्यूरिंग कोविड के बाद, कोविड के बाद नहीं, कोविड के दौरान आया, कोविड के दौरान आए थे. हाँ, नया नया कोविड. यस यस, मास्क पहना वाला. तो यस, जो सबसे बॉटम मोस्ट जो कंडीशन है ना, मतलब जो नीचे से अगर स्टार्ट करें तो वेरी गुड होता है. ठीक है, हाउ बैड इज वेरी गुड? यार वेरी गुड, अगर जूता अगर नया 100% है तो वेरी गुड वुड बी अराउंड 40-50%. ओके. ठीक है, मतलब उसको 50% यूज़ किया हुआ. ठीक है, ठीक है, सही है. फिर वेरी गुड से ऊपर आता है एक्सेलेंट, दैट इज़ अराउंड 60% तक. ठीक है, 40-60 पे 20% का जंप आ गया. फिर प्रीमियम आता है उसके ऊपर, प्रीमियम इज़ अराउंड बिटवीन, उसको बोलेंगे 90%. ठीक है, नया है 90% नया है.
ठीक है. प्रीमियम प्लस इज 99 to 100%. अभी प्रीमियम प्लस आपने नहीं निकाला? नया निकाला, ठीक है. समझे, वो उसका डब्बा नहीं है जूते का, बट वो है नया. अभी मैंने आपको एक एड देखा था, इसमें आप वैंस दिखा रहे थे. अभी हमने वैन सारे वो बड़े प्लस, वो हाँ वो बाय द वे वैन्स की आप कलेक्शन चेक करेगा, अराउंड वी हैव गॉट ओवर 2000 अच्छा पीसेस ऑफ वैन्स, और वो सारे जो हैं वो अच्छी कंडीशन में, सारे प्रीमियम प्लस, मतलब विदाउट बॉक्सेस. हाँ मैंने वो देखी, मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि हम बात कर रहे थे कि इसने बोला यार वो खजाने वाले वैन्स भी बेच रहे हैं. मैंने बोला यार मैंने ऐड तो देखा है, वो वैन्स बड़े अच्छे लग रहे हैं. उसमें कस्टम वैन्स भी आ रहे हैं, आप ज्यादा पता होगा, कस्टम वैन्स भी आ रहे हैं वो लोग डिजाइन करके. तो यस, हाँ ये कंडीशन है बेसिकली. सही है, सही है. तो प्राइसेस भी कंडीशन के हिसाब से, जितना नया जितना प्रीमियम प्लस है तो वो महंगा है, सही है, बट वो महंगा उतना ही है कि वो नए से सस्ता है फिर भी. ठीक है, सही है, सही है. अच्छा, सो ऑब्वियसली आप लॉट्स उठाते हैं, लॉट्स में तो मिक्स सामान आता होगा, तो जो गुड से, वेरी गुड से भी नीचे का सामान है वो आप किसको चिपकाते हैं? अच्छा, जो बच जाता है वेरी गुड के नीचे, वो हम मार्केट में जो है ना, वो जो होल सेलर्स जो जैसे लाइट हाउस वाले हो गए वैसे ही और हैं, ऐसे जो डिफरेंट मार्केट्स में होते हैं वो हमसे आके खरीद लेते हैं, वो फिर उनको आगे फिर और छोटी मार्केट में बेच रहे होते हैं, रेडियो करके जैसे हो गए. तो अच्छा, ये वैसे ये जो ये वाला सेटअप है थ्रिफ्ट वाला, मैं तो थ्रिफ्ट ही बोलूंगा, ये यू थिंक कराची में ज्यादा है, कराची से बाहर भी लोग अब इस पर आना शुरू हो गए? ऐसी मार्केट्स कोई हैं वैसे लाइट हाउस टाइप की मार्केट्स कराची से बाहर या नहीं? कराची से बाहर यार मैं खुद, मुझे कराची की ज्यादा पता है, बट यस ऑब्वियसली मेरे रिलेटिव रहते हैं लाहौर के अंदर, आई थिंक बहुत सी ऐसी मार्केट हैं लाइट हाउस से बड़ी हैं. अच्छा, मैंने वीडियोज देखी होंगी तो वहाँ पे काफ़ी बिक रहा होता है यार. पता है बिकॉज मुझे हैरत क्यों होती है, क्योंकि जब मैंने लाइट हाउस की वीडियो बनाई थी कोई पता नहीं 5-4 साल पहले, तो बहुत सारे लोग उस पर रिस्पॉन्स आया कि यार हम तो दूसरे शहरों से फिर कराची आए सिर्फ इस वजह से कि लाइट हाउस आपने देखा है. मतलब वो तो लुंडा मार्केट है टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर लुंडा मार्केट इधर है तो लुंडा मार्केट कहीं और भी होगी. उस वक्त मुझे पता चला कि शायद लाइट हाउस टाइप का जो सेटअप है वो दूसरे शहर में शायद नहीं है. मैंने वैसे खुद जाके देखा नहीं, बट यही है कि जो रिलेटिव वो बताते हैं कि यार लाहौर में है. सही है, सही. अच्छा, सो ठीक है भाई, खजाने चल रहे हैं माशाल्लाह जबरदस्त है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, आइडिया कहाँ से आया? बड़ी बड़ी लंबी कहानी है, बट इसको कंसाइज करके मैं कोशिश करता हूँ बताऊँ. यार बेसिकली आइडिया कहाँ से आया, आइडिया जो था ये जब मैं MBA कर रहा था अपना फर्स्ट ईयर, 2 साल का MBA था, तो फर्स्ट ईयर के बाद ऐसे दोस्तों के साथ बैठ के, वो सब ये संडे बाजार होता था, इतवार बाजार नहीं वाला, ठीक है, डिफेंस फेज एड वाला, उसको संडे बाजार पहले मरना इतवार बाजार होता था, ठीक है. तो संडे बाजार, संडे तो बाद में यो हुआ, संडे ही हो गया था, ठीक है. अच्छा, वो DHA वहाँ से उनके ऊपर वो प्लॉट के ऊपर जो चल रहा था वो आई थिंक कोई उनके ऊपर हो गया था तो वो ख़त्म कर दिया था वहाँ से, ठीक है. तो दिस वॉज ड्यूरिंग माई MBA, ठीक है. तो जब वहीं पे मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था यार ये इसको ऑनलाइन किया जाए तो कितना अच्छा चलेगा, संडे बाजार वाली चीज़ वही आवाम जो है, क्योंकि वहाँ पे आप देखते थे कि वहाँ पे बहुत अच्छी, हाँ हर किस्म का बंदा आता था, ठीक है, सेलिब्रिटीज आपको टकराते थे, DHA की आवाम आती थी, मतलब जो वही आते थे, वही आते थे, ठीक है. तो मतलब इससे रियलाइज हुआ कि मार्केट तो है ये. अच्छा, इससे और पीछे चला जाए, मैं खुद आई वॉज इन माई ओ लेवल्स, ठीक है, आई यूज टू प्ले, इनफैक्ट खैर उस वक्त भी खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, बट बास्केटबॉल में बहुत ज़्यादा खेलता था, ठीक है. तो अब बास्केटबॉल में ये था कि बास्केटबॉल में जो ना आम जूता बास्केट में नहीं चलता, ठीक है, यू नीड बास्केटबॉल शूज़, ठीक है. बास्केटबॉल शूज़ जो थे वो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ यू नो मिडिल क्लास फैमिली, तो इतने ज़्यादा पैसे माँ बाप नहीं देते थे कि जाओ जाके खरीदो $100 का जूता जाके नया नाइकी से, ठीक है. नाइकी वाले वैसे भी आई थिंक वो बास्केटबॉल नहीं होते थे पाकिस्तान में, तो लोग इनफैक्ट अभी भी जितना भी जो बास्केटबॉल जितने भी चल रही है अक्रॉस पाकिस्तान सब वो सेकंड हैंड ही ज़्यादातर खरीदते हैं, अनलेस उनका कोई रिलेटिव बाहर से आ रहा हो तो उसके थ्रू मंगवा लेते हैं, बट अभी भी लोग जो हैं वो खजाने से खरीद रहे होते हैं. मैं अभी भी खेल रहा हूँ बास्केटबॉल, तो अभी मुझे काफ़ी जो मेरे सारे जो हैं लड़के चढ़के वो बोल रहे होते हैं उस्मान भाई कभी भी आया तो आपने ये साइज मेरे लिए अलग करना है, ठीक है. तो मैं खुद उस तक बास्केटबॉल शूज़ खरीदता था लाइट हाउस से जाके, ठीक है. सिमिलरली फुटबॉल के जूते भी जो टोज खरीदते थे, क्लीट्स होते थे, वो भी वहीं से खरीदता था. तो एक तो मैं खुद कंज्यूमर था इसका, फिर देखा संडे बाजार बंद हुआ, नज़र आया कि यार पोटेंशियल है. MBA जब कंप्लीट हुआ तो मैं बेसिकली MBA से पहले आई वॉज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. मैंने ACCA किया था, मैंने Big 4 ऑडिट फर्म में ऑडिट का काम किया था. तो मुझे था कि यार नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, उससे और पीछे चले. क्या बात है, पढ़ लिया आपने. उससे और पीछे चले, मैं बताता हूँ, वो एक बहुत बड़ी कहानी है, ये थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए.
मैं व्हेन आई वाज इन माय ए लेवल्स बेसिकली माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड ठीक है तो इतने ज़्यादा फाइनेंशियली वी वर नॉट दैट गुड ठीक है तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एट अ वेरी अर्ली एज ओ लेवल्स से मैंने स्टार्ट किया था अपने फादर के साथ भी करता था तो आई लर्न द कॉरल ड्रॉ फोटोशॉप मुझे ठीक है तो उसके लिए उस मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए काम करता था कुछ FMCGs थी अच्छी गुड कंपनीज ठीक है फिर मेरा जो अपना स्कूल था उनके लिए मैं एनुअल वो बनाता था जो उनके एनुअल जो ईयर बुक होती ना 200 पेजेस की ईयर बुक होती तो आई यूज टू अर्न गुड मनी मतलब अपने लिए मैं इतना कर लेता था कि यार मैं अपनी पढ़ाई मैंने खुद आगे ACCA मैंने खुद किया था अपने पैसे खुद दिए थे ठीक है तो उसके बाद क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का शुरू से था तो मार्केटिंग क्योंकि माय फादर यूज्ड टू वर्क इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी उनकी अपनी थी तो थोड़ा सा मार्केटिंग का दिमाग शुरू से बना हुआ था पढ़ाई जो थी उससे समझ नहीं आता था यार क्या करना है ठीक है कि लॉ करना है ये करना है वो करना है जहाँ समझ रहा था यार ये सस्ते में भी हो रही है ठीक है अकाउंटिंग अच्छी फील्ड है ठीक है शौक वॉक कुछ था नहीं बस ठीक है यार कर लेंगे जॉब अच्छी मिल जाएगी ये होता अभी भी कहते हैं ना बस आप कर लो CA कर लो यार आपकी स्टार्टिंग तो ये सैलरी लगेगी ठीक है तो उसी चक्कर में वो कर लिया यार बट आप क्रिएटिव काम करते हुए अकाउंट्स की फील्ड में गए तो चक्कर हाँ, नहीं है तो वो पढ़ाई करते वक्त तो यार लग के पढ़ लिया ना जब काम करने निकला तो वो डेस्क के पीछे बैठे हुए हैं वो अच्छा भाई ये काम है तो दो साल मैंने इस फील्ड में काम किया आई स्विच्ड 3 jobs विद इन 2 years ठीक है आई वाज स्टिल इन द फेज ऑफ एक्सप्लोरिंग यार अकाउंटिंग फाइनेंस में और क्या है तो 2 साल में समझ आ गया यार भाई यही है जो भी है ना आपने डेस्क में बैठना है और आपने तो मैं बोला यार मैं तो इधर सर्वाइव मैं हमेशा से आई वाज इन आउटगोइंग और मतलब दिमाग के अंदर वो क्रिएटिविटी और वो सब चलता रहता मैं बोला यार मार्केटिंग ब्रांडिंग की फील्ड में जाऊंगा तो मज़ा आएगा ब्रांड मैनेजर लगेंगे किसी ब्रांड को जो है ना बैठ के बनाएंगे घूमेंगे दुनिया घूमेंगे और देखते रहते ना मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है शशके फैंसी वर्ल्ड तो बस वही था कि MBA उस चक्कर में कर लिया अच्छा MBA आपने किस में क्योंकि मुझे ACCA और इस बैकग्राउंड के साथ मुझे कोई ब्रांड मैनेजर हायर नहीं करेगा इंटरव्यू के लिए जाऊंगा आपका क्या बैकग्राउंड ACCA का नहीं अच्छा ठीक है वो फिर देखा यार कि जो IBA लम्स का कोई आ रहा है CBM का आ रहा है जिसने BBA किया है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी मार्केटिंग में आपने MBA किया मैंने फिर मैंने जहाँ से किया बेसिकली डाट वो मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन नहीं करते वो जनरल MBA कराते हैं ठीक है ओके तो मैंने अपनी इंटर्नशिप्स बैठ के जो है ना वो सारी एडवर्टाइजिंग और मीडिया के अंदर करी थी सही तो मुझे था कि यार चलो CV रेज्यूमे में मेरे आ गया कि आई हैव वर्कड एट द मतलब अच्छी जगह मैं नाम नहीं ले रहा बट गुड कंपनी ठीक है तो जब वो MBA कम्प्लीट हुआ तो जाता था तो कोई रखता ही नहीं था मुझे उल्टा ऑफर आती थी आप हमारे अकाउंटिंग फाइनेंस के MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम में आ जाए भाई उसी से तो बच के मैं यार हूँ तो इंटरव्यू की लास्ट स्टेज तक जाता था नहीं होता था 3-4 महीने गुजर गए बाकी सबको जॉब्स मिल रही हैं ठीक है मैं टेंशन में आ रहा हूँ क्या साथ साथ मैंने यही किया कि यार चलो जब तक इंटरव्यूज तो चल ही रहे हैं तो उस वक्त बस ये आइडिया इसी आइडिया पे जो है ना मैं बोला चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है इसको स्टार्ट किया ये स्टार्ट कैसे साइट बनाई हाँ वो सोर्स कहाँ से किया आप हाँ तो ये वेबसाइट बनाई एक लड़का एक मिल गया था कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट उससे हमने वेबसाइट बनवा ली सीड मनी जो था वो फैमिली से आ गया था 3 लाख रुपए लिए थे उस वक्त ठीक है तो वो लिए जाके देखा कि भाई ये जूते आते कहाँ से जो इतवार बाजार में बिकते हैं ये कहाँ से कहाँ से लोग लाते हैं तो पता चली जगह ठीक है कराची में कहाँ से आते हैं वहाँ पहुँच गए अब वहाँ जाके ढूंढ रहे हैं फिर इवेंचुअली पहली हमने बोला यार चलो बिस्मिल्लाह करते हैं 3 लाख रुपए की लॉट थी वो अपनी गाड़ी में डाला छांटी यूजुअली शुरू में जब बंदा इसमें आता है ना तो उसको लगता है अपनी मर्जी से जूते मिलेंगे हाँ नहीं, 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 नहीं पता होता कि ये पूरा भाई आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते आप चेरी पिकिंग करके नहीं ले सकते तो वो ले लिया वो लेकर आए उसको फिर रखा हुआ है लॉट रखी हुई है भाई आई थिंक वो कुछ थे 300-400 जूते थे वेबसाइट भी बन गई थी अब यही पूरा कि भाई इसको बेचना कैसे ग्रेडिंग कैसे करेंगे तो उस वक्त हमने यही कि यार इसको नाम देते थे भाई एक्सेलेंट प्रीमियम गुड ये नाम दिए ठीक है तो अब जूते अब गंदे रखे हैं भाई इनको कैसे साफ कस्टमर क्या जाएगा साफ तो होना चाहिए ना मिट्टी वट्टी लगी हुई है 2-3 दिन तक समझ देखते रहे जूतों करना फिर भाई जाके वो खरीदे सर्फ एक्सेल खरीदा ब्रश वश खरीदा जाके खुद ही किया एक दिन में ही पता चल गया भाई खुद तो ये धो ही नहीं सकते फिर वापस मार्केट गए जहाँ से खरीदा भाई कि धो के दो हमें उन्होंने बोला भाई ये अलग लोग इसके होते हैं जो काम ही धोने का करते हैं हमने फिर वापस उनको दिए जूते वो धुलवा के फिर हमने लाए फिर उसको वेबसाइट पे लगाया एंड इट स्टार्टेड ऑफ पहली डिलीवरी भी खुद जाके की
पहली डिलीवरी यूजुअली बंदा खुद ही करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये था कि उस वक्त कुछ भी नहीं आता था, फोटोग्राफी भी क्योंकि क्रिएटिव थोड़ा सा वो था, तो ये क्या था कि दो सब्जी के स्टैंड नहीं होते वो घरों में जो होते हैं, जैसे प्याज और रखे हुए होते हैं वो लोहे के स्टैंड, नहीं बास्केट्स तीन फ्लोर की होती है, आलू प्याज और वो रखी हुई होती है, तो दो स्टैंड वो थे, उसके ऊपर जो है ना नीचे दुकान से जाके मैं लेस के डब्बे लाया था कार्टन खाली, वो यूट्यूब पे देखा था कि सॉफ्ट बॉक्स कैसे खुद बना सकते हैं ना, डीआईवाई वाला सॉफ्ट बॉक्स, तो ब्लेड से काटा, उसके आगे जो ना वो वाली शीट लगाई, वो जो बटर पेपर वाली, ठीक है वो चिपकाई, उन दो स्टैंड्स के ऊपर रखा, दो स्टडी लैंप्स लाके उस पर लाइट मारी तो डिफ्यूज होके लाइट अंदर आई, डू इट योरसेल्फ, आईफोन 5 था उस वक्त, ठीक है हाँ 2015 आईफोन 5 था, उससे तस्वीरें ली, तो तस्वीरें भी खुद ली, डिलीवरी भी खुद की अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये है कि मेहनत की बहुत मेहनत वाला, अभी भी मेहनत, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टीम ऑफ मोर देन 100 पीपल नाउ। अच्छा हाँ, इन कराची, इन कराची जबरदस्त, तो अब सारा ये है कि ऑटोमाइज कर दी हर चीज, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो मतलब 8 इयर्स हो गए, 8 इयर्स हो गए, इस 8 इयर्स के जर्नी के अंदर भाई सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है इस काम के अंदर? इस काम के अंदर सबसे बड़ा जो सोर्सिंग है या वो है लॉजिस्टिक्स है या वेयर हाउसिंग है, आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ एवरीथिंग। सही है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई मैं प्रोडक्ट खुद बना के बेच रहा होता ना तो उसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप कंट्रोल, इसके अंदर सोर्सिंग बिकॉज कॉन्स्टेंट एक चीज़ नहीं आती आपके पास, डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं वाली बात है, कभी अच्छी ग्रेड आ गई कभी कुछ ये आ गया, तो वो एक चैलेंज रहता है, तो उसको कंटिन्यूसली हम कोशिश कर रहे होते हैं यार कि सोर्स को जो है हम थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें, तो एक ही तरह का हमारे पास स्टॉक है। फिर ये है कि यस, प्रोसेसिंग को हमने काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको ऑटोमेट कर दिया, जो पूरा ये ग्रेडिंग का प्रोसेस है फोटोग्राफी का, इसको हम टेक्नोलॉजी को भी साथ इनकॉर्पोरेट करें, तो उससे तो बाहर आ गए हम। कस्टमर का चैलेंज आई थिंक हर बिजनेस में है, ठीक है, वो हम पुराना बेचें नया बेचें रिटर्न्स होते हैं हर जगह होते हैं, दैट इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, तो कोशिश यही होती है कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट जाए तो वो अच्छा वापस ना आए, ठीक है, बट हर किसी को हाँ अब 100% तो यू कांट बी परफेक्ट ना, तो बस बिट ऑफ एवरीथिंग बोलेंगे। अच्छा, सिंस ऑब्वियसली ये इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं तो आवाम जो काम करती है वेयरहाउस में उनका दिल भी ललचाता होगा, तो ये मेरा ऐसे बिजनेसेस से सवाल ज़रूर है कि चोरी का जो है ना आपने कैसे रोका, होती है और होती है तो रोकते कैसे हैं इसको जरा ओपन करना जरूरी है। आई थिंक चोरी जो है वो तो आई थिंक बिल्कुल जीरो तो कहीं नहीं हो सकती। आई थिंक वॉलमार्ट का भी ये है कि वो हमेशा उनका एक स्टडी आई थी कि दे कीप मतलब 10% उनका है कि थेफ्ट होना ही होना है। सही है, ठीक है, तो बिल्कुल जीरो आउट तो नहीं कर सकते, बट यस हमने शुरू हमने सीखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि यार चीज़ें गायब हो रही हैं, कैमराज लगाए गार्ड रखा है, वो कर रहे होते हैं अभी भी, बट ये है कि ऑब्वियसली जो स्टाफ इतना काम कर रहा है वो हर वक्त हाथ में जूता आ रहा है, कभी कौन सा आ रहा है, उनको दिल चाहता है, तो हमने एक वो बना लिया है कि यार क्वार्टरली उनको जूता देंगे और उनको हमने वाउचर्स दे दिए कि भाई आप खुद अपने लिए शॉपिंग करो, तो ताकि वो कर लें मतलब चोरी ना करें, साल में 3-4 जूते वो खुद मिल जाए, ठीक है, तो ये आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। उसके बाद भी वो चोरी कर रहा है तो फिर मैंने अल्लाह ताला का मामला है, इसीलिए है जो है ना वो स्नीकर कंटेंट बनाना छोड़ दिया कि लोगों को पता कम चले तो चोरियां कम तो भाई अब आप खजाने को कहाँ ज़्यादा देखते हैं कंसिडरिंग पाकिस्तान के जिस वक्त हालात चल रहे हैं, और ये हर बिजनेस ओनर से मेरा सवाल यही होता है कि भाई अभी क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जिट का सोच रहे हैं यार। खजाने जो है मेरे लिए बिकॉज इट्स माई मतलब इट्स माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, और मैंने इसको उस नीयत से स्टार्ट नहीं किया था कि यार इस पर मैंने इन्वेस्टमेंट रेस करनी है, और यू नो जैसे एक होता है स्टार्टअप के साथ कि यार एग्जिट कर जाते हैं फाउंडर्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेस करते हैं, अपनी इक्विटी दे देते हैं इन्वेस्टर को, मैं हमेशा से आई हैव केप्ट इट वेरी क्लोज, और हमें बहुत सी ऑफर्स आई बीच में यार इन्वेस्टमेंट ले लो, ये काम इन्वेस्टमेंट वाला है नहीं आप, हाँ, मैं कल को मुझे कोई $1 बिलियन देते तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं $1 बिलियन के जाके मैं स्टॉक, असल इसके अंदर स्टॉक है ना, ठीक है, आपका सोर्स जितनी स्टोर्स इसकी बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ढूंढ ढांड के, क्योंकि पीछे अगर आप देखें तो ये कैसे जमा होता है प्रोडक्ट, ये डिफरेंट वहाँ पे ड्राइव्स चल रही होती हैं, मैराथन लोग भागते हैं, उसके बाद दे यू नो दे गिव अवे द प्रोडक्ट्स, स्टोर रिटर्न्स आते हैं, तो इसकी एक लिमिटेड है, ठीक है, पैसा मतलब पैसा ये नहीं है कि हाँ मैं सोर्स मैं अपने सप्लायर को बोलूँगा यार मैं आज तो मैं ये दे रहा हूँ तो मुझे अब इसके 5 कंटेनर दे दो, वो उसकी कैपेसिटी जितनी है मैं अभी फुल पे चल रहा हूँ, कल को मैं ज़्यादा पैसे आ जाए तो मैं उसको जबरदस्ती तो वो
पैदा नहीं करेगा जूते। तो ये मेरे ख्याल में से इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हाँ सप्लाई लिमिटेड है तो आगे आप बढ़ा कर क्या करें, मतलब इन्वेस्टमेंट से मैं ऐड ज्यादा चला लूंगा फिर वही आके बॉटलनेक बने, ऐड चलाऊंगा तो पीछे सप्लाई नहीं है तो मैं क्या करूंगा। ऐड चलाने के लिए तो व्हेन यू आर डूइंग, व्हेन यू आर मेकिंग पॉजिटिव, व्हेन यू आर इन प्रॉफिट, तो आप वही मैं री इन्वेस्ट कर देता हूँ पैसा। ठीक है, तो प्लान खजाने का ये है कि इट्स माई ब्रेड एंड बटर, ठीक है, इसको आगे रखना है, मतलब टिल मतलब जब तक चल रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यह है कि पाकिस्तान में बिल्कुल चैलेंजेस आ रहे हैं। अब रिसेंटली ये है कि जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त डॉलर था आई थिंक 108 रुपये का था, ठीक है, उस वक्त जो प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो अब 3 गुना ज़्यादा महंगी हो गई, बिल्कुल, क्योंकि अब ड्यूटीज़ वगैरह भी बढ़ गई, क्योंकि ड्यूटीज़ भी डॉलर्स में ही लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, ऑब्वियसली हर चीज़ बढ़ गई है, मतलब बिजली बढ़ गई है, फ्यूल बढ़ गया है, ओवरहेड्स बढ़ गए हैं, जो 100 बंदा जो काम कर रहा है उनकी सैलरीज ऑब्वियसली बंदा उनको ये तो नहीं बोल सकता 20,000 में कर लो, ठीक है, उनका भी देखने यार बेचारे ने अगले ने घर जाके कुछ लेके जाना है, उसके आने जाने में इतना पेट्रोल लग जाता है तो वो क्या ले, तो ओवरहेड्स बढ़ गए, ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, वेयर हाउस है, आउटलेट है हमारा अपना, एक हेड ऑफिस बनाया हुआ है, तो चैलेंजेस आते जा रहे हैं। तो हम यही है कि प्रोडक्ट कंज्यूमर से ही लेंगे, बेचारा वो भी कब तक देगा, उसकी डिस्पोजेबल इनकम भी कम होती जा रही है, ठीक है, तो अभी तो बस यार मार्जिन्स तो मतलब फिर मार्जिन्स हमारे यहाँ ऑब्वियसली हम ये नहीं कर सकते, हमने महंगे किए हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, बट वही हम एक डॉलर की वजह से ही महंगे हुए हैं, ठीक है, हम अपनी जेब में ज़्यादा नहीं लेके जा रहे, डॉलर महंगा हो गया, अब जो प्रोडक्ट हम 10,000 का बेचते थे अब वो डॉलर जब 3 गुना महंगा हो गया तो 30,000 का बेचना पड़ता है, हमारे पास तो उतना ही आ रहा है, ठीक है, इनफैक्ट अब उससे कम ही हो रहा है, जो कि ओवरहेड में हमने तो ओवरहेड्स तो हमारे बढ़ गए ना, तो हमारा नेट मार्जिन तो कम होता जा रहा है, बट ये कि यार हाँ चैलेंजेस हैं, इम्पोर्ट्स के अंदर अभी मसला आया हुआ था पाकिस्तान में, डॉलर ना होने की वजह से इम्पोर्ट्स उस वक्त तो आपकी सप्लाई बिल्कुल रुक गई, सप्लाई बिल्कुल रुक गई थी, हमारे जो सप्लाई थी हम उसी को चला रहे थे, तो चैलेंजेस हैं अब यार फ्यूचर का कुछ नहीं, हाँ हम सोचते हैं यार कि इसको आउट ऑफ पाकिस्तान लेके जाएं, कौन सी मार्केट में लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, कब लेके जाना है, इसके ऊपर अभी थोड़ा सोचना शुरू किया है, फुल फ्लैज अभी वर्किंग नहीं की यार कि बस अब करना है, बट यस आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ कि सोचना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये हालात बेहतर नहीं हुए तो दिस विल ओनली गेट वर्स, एग्जैक्टली, तो बिल्कुल यही है। अच्छा आपने पहले तो सारा ऑनलाइन किया, फिर आपने माशाल्लाह आउटलेट खोला, स्टोर खोला, तो क्या आपने डिफरेंस फील किया, क्योंकि जाहिर है एक ऑनलाइन बिजनेस जहाँ तक कि मैंने एक्सपीरियंस किया है वो फिज़िकल स्टोर्स में आते हुए घबराते हैं, क्योंकि जाहिर है फिक्स कॉस्ट है, बहुत सारे ओवरहेड्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो आपने क्या सोच के वो फिज़िकल स्टोर खोला और अभी तक कैसा चल रहा है इसका, ज़्यादा है उसी का ज़्यादा ऑब्वियसली, आई एम प्रीटी श्योर ऑनलाइन ज़्यादा, ऑनलाइन ऑब्वियसली ऑनलाइन ज़्यादा है, फिज़िकल खोलने का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पाकिस्तान में क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो इतना रेपुटेशन उसकी इतनी ख़राब चल रही है ना, वो जैसे एक लीडिंग स्टोर है, वो मीम्स जो आ रहे होते हैं ना कि ऑर्डर ये किया अंदर से वो निकल रहा होता है कुछ और ही निकला कुछ और, तो रेपुटेशन बहुत कि वो जो दिखता है वो मिलता नहीं है, वो वाला सीन चल रहा है ना, तो ऑनलाइन का हमने फिजिकल स्टोर खोलने का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए कस्टमर के, कि इनका फिजिकल बैठे हुए हैं, हाँ ये नहीं कि हवाई बस ऑनलाइन कोई चल रहा है और आ गया और बस फंस जाएंगे पैसे लेकर, सही है, तो एक तो ये था, दूसरा ये है कि फुटवेयर आई थिंक इट सेल्फ जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए फिजिकल स्टोर जो है वो इट्स नेसेसरी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको होता है यार कि मैं पहन के जब तक ये देखूंगा मैं पैसे नहीं दूंगा, ऑनलाइन के अंदर जो है वो ये वाली फैसिलिटी नहीं है, ऑनलाइन में आपको पहले पैसे देने होते हैं फिर आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो ये इसके पीछे जो थी वो। अच्छा बट इसमें तो सिर्फ आई थिंक कराची और वो भी एक सर्टेन इलाके के लोगों को ही आई थिंक वो सर्विस मिलेगी अभी, क्योंकि फिजिकली इस प्रोडक्ट इसको चलाना मतलब फिजिकल आउटलेट को रन करना इट्स वेरी चैलेंजिंग, बिल्कुल, उतने तमीज़ से क्योंकि यही प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन भी बिक रहा है, ठीक है, हम इसको डिटैच नहीं कर सकते ऑनलाइन स्टोर से, तो वो एक प्रोडक्ट जो कस्टमर पहन रहा है ट्राई कर रहा है उसी का ऑर्डर अगर आ गया ऑनलाइन में तो वो हम कस्टमर को एक्सक्यूज करेंगे या उसको एक्सक्यूज करेंगे, तो वो अभी वी आर स्टिल इन दैट यू नो फेज के यार इसको हम कैसे टैकल करें। मैंने तो भाई एक चीज सीधी सीधी बात है नोट की है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक ही तरीके का जूता भी चाहिए ना, फॉर एग्जांपल ऐसे जॉर्डन्स, मैं सिर्फ जॉर्डन्स पहन रहा हूँ, तो जॉर्डन्स में भी हर स्टाइल के अंदर ना 19-20 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, मतलब अगर मैं
बहुत सारे बार ऐसा हुआ है कि मैंने ना, ज़ाहिर है मुझे पता है मेरा 12 नंबर का जूता है, मुझे पता है भाई जॉर्डन की बनावट ही है, तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि भाई जाके दुकान से ही उठाऊँ, कभी ट्रैवल कर रहा हूँ कुछ करूँ, बट अब नहीं, मैं पाकिस्तान में हूँ और कोई नया अच्छा आ गया तो अब खुड़क हुई किसी के थ्रू ऑर्डर कर लिया, भाई 12 नंबर का ले लो। अक्सर इनफैक्ट यहाँ पे मेरा बाहर एक जूता पड़ा हुआ है जो कि 12 नंबर का है, मगर वो छोटा है, फिटिंग में वो टाइट है, मतलब अगर मैं दुकान से जाके उसको लेता तो मैं प्रॉब्ली 12.5 लेता या 13 लेता उसका। तो अब इसमें तो क्योंकि हर जूता ही अलग है, तो एवरी टाइम हर ब्रांड का, मतलब जैसे नाइकी के अपने ही 12 नंबर भी डिफरेंट होंगे, तो हर ब्रांड का भी 12 नंबर, फिर उसकी फिट है, उसका मटेरियल कैसा आपके पांव पे आ रहा है, तो ये तो आई थिंक ऑनलाइन आई एम श्योर दिस मस्ट बी चैलेंजिंग कि लोग लेते होंगे। फुटवेयर इंडस्ट्री में ऑनलाइन में ये जनरली चैलेंज तो है, मतलब खजाने खाली नहीं है, जितने भी लोग फुटवेयर बेच रहे हैं ऑनलाइन, जितने भी ब्रांड्स हैं पूरी दुनिया में जो बिक रहा है, नाइकी भी तो ऑनलाइन बेच रहे हैं ना जूते, नाइकी ये तो नहीं कि ऑफलाइन ही से रहा, नाइकी ऑनलाइन है, एडिडास सब है, तो ये चैलेंज तो है। अब उसके लिए यही है कि इसका एक यही हल है कि रिटर्न पॉलिसी या एक्सचेंज पॉलिसी है कि भाई आपने पहन लिया आपको नहीं समझ आया तो एक साइज आप बड़ा ऑर्डर कर दोगे, छोटा ऑर्डर कर दोगे। अच्छा, ये जनरली रिटर्न्स की जहाँ तक की बात है तो ऑब्वियसली क्योंकि थ्रिफ्ट है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन लगाई है जब उनके पास जूता पहुंचा तो वो उस एक्सपेक्टेशन का नहीं निकला, वो क्योंकि बहुत सारे लोग रिटर्न करते हुए घबराते हैं। मैं ऑनेस्टली बात बताऊँ, मैंने ना आई थिंक जिंदगी में शायद 2 बार टोटल 2 बार रिटर्न किया, क्योंकि वो एक और एक हैसल है ना, और आप तो खैर डायरेक्ट हैं, वो जिस आप प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उसके ऊपर रिटर्न एक और मुसीबत थी कि आप उनको बताओगे फिर वो बंदा आएगा फिर 7 दिन बाद फिर, और दूसरी बार जब मैं रिटर्न से चीज़ मंगाई तो भी ख़राब आई, तो फिर मैंने बोला लाना आपका भी नहीं, ना ऑनलाइन लेना है ना रिटर्न करना है। तो इस केस में क्या आपके पास, मतलब कस्टमर क्या वो होता है, रिटर्न जाते हैं या बस लोग हड़े आते हो जाके खराब रिव्यू लिख देते हैं, वापस नहीं करते या वापस करते हैं और फिर वापस गया फिर भी अच्छी चीज़ नहीं आई तो और गुस्सा हो गया। रामेश बिल्कुल चैलेंज है ये वाला ना, लोग ऑब्वियसली हर किसी को तो सही प्रोडक्ट मतलब नहीं जाएगा ना, मतलब कि उसके साइज के हिसाब से ही आगे ठीक है, बट देन अगेन हमारी कोशिश ये है कि यार हम रिटर्न प्रोसेस को जितना स्मूथ कर सकते हैं जितना इजी कर सकते हैं हम करें ठीक है। लोग जो होते हैं वो मेजॉरिटी आई बिलीव जिनको मसला होता है वो करते हैं रिटर्न ठीक है। हमने ये किया हुआ कि हमको एज कॉम्पनसेशन क्योंकि जो चार्जेस लगते हैं रिटर्न के हम उनको वो भी ऊपर देते हैं कि यार आपके हमने जो कोरियर को आपने दिया वो आपको टॉप अप कर देंगे ठीक है। तो उनको अगर वाउचर उन्होंने 2000 की शॉपिंग की है ठीक है, उन्होंने 2000 कोरियर को दिए, उन्होंने रिटर्न में 500 रुपये दिए, तो उनको 2500 रुपये का वाउचर दे देते हैं कि आप नेक्स्ट उसमें भी करें। तो एक अगले को मोटिवेशन, चलो यार मैं अगर थोड़ी ख्वारी करूँगा तो मुझे इसके बदले में पैसे ऊपर मिल जाएंगे ठीक है। तो ये है, बट देन अगेन वो लोग भी हैं जो अब आ गया तो वो अपने किसी भाई को दे दिया यार ये साइज मेरा नहीं है, उसका छोटा साइज है तो उसको दे दिया, ये भी होता है। रिव्यूज में हमें आता है यार कि वो साइज में ये था, बट उनको ये क्या प्रोडक्ट जब पता चलता है प्रोडक्ट तो सही है, साइज का मसला इज नॉट योर प्रॉब्लम, आई थिंक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो जिसको खुद के लिए लेना है उसको थोड़ी ख्वारी करनी है तो जाके कर लेता है, बट ये है कि जिसको है कि यार चलो अब आ गया है बैठ गया अपने भाई को दे देता हूँ किसी और को दे दिया, तो मेरे भी यही होता है छोटी टी शर्ट आती है तो भाई को जाती है, तो ये हर जगह यही है। अच्छा, एक जो सवाल मेरे दिमाग में हर किसी के लिए होता है वो ये कि यू स्टार्टेड अलोन, अब माशाल्लाह 100 बंदों की टीम है, तो आपने टिका के स्केल अप किया है, 100x स्केल बढ़ा है ऑलमोस्ट एक बंदे तो ज़्यादातर जो यंग बिजनेस ओनर्स हैं या जो जिन्होंने नए नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं उनको स्केलिंग अप से बड़ी घबराहट होती है, एंड मीन माई सेल्फ इंक्लूडेड, मेरा जब भी बिजनेस रहा है मैंने हमेशा बहुत लीन रखा है, मुझे बड़ी घबराहट होती है कि ज़्यादा बंदे होंगे उतनी बलनी है उतने लोगों को मुँह देना है। स्केलिंग अप में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था, और कंसिडरिंग कि आपने पहले कोई बिजनेस रन नहीं किया है तो हाउ डिड यू मैनेज टू एक्चुअली यू नो कीप कंट्रोल ओवर दैट। हाँ देखो size. ये वही 8 साल में जाके हम यहाँ तक पहुँचे। मैं खुद जूँ ना बहुत ही आई एम अ वेरी रिस्क अवर्स पर्सन ठीक है। हाँ वो मुझे पता है ठीक है तो बातें हो चुकी हैं। तो प्रॉबेबली अगर मैं और मतलब रिस्क टेकर होता अभी मैं शायद 200-300 लोगों पे बैठा होता शायद या हो सकता है, बट यस हायरिंग द राइट पर्सन मतलब राइट रिसोर्स यू नो वो एक चैलेंज है ठीक है। हमें लगता है यार बेरोजगारी बहुत चल रही है पाकिस्तान में, ये है वो है, हमें हम देते हैं नहीं आते लोग। अच्छा। आते हैं मतलब जो हम चाह रहे हैं यार कि इतनी मतलब इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इतना सब है, मगर उस हिसाब से लोग दे डोंट शो अप एट द इंटरव्यूज़, ये भी एक हाँ। तो हायरिंग द राइट रिसोर्स यार कि आपको अपने मतलब का बंदा मिल जाए, एरोगेंस है मतलब पता नहीं क्या है
तो आई थिंक हाँ ये एक चैलेंज रहा है, बट ये है कि एक दफ़ा सही बंदे रिक्रूट होना शुरू हो जाए ना तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा होता है. यू नीड टू थोड़ा सा आपको देखें वो लीप ऑफ वो करना होता है कि यार रिसोर्स महंगी आ रही है, आपने पैसा ज़्यादा देना है अगले को, ठीक है, आप 50,000 की जगह आप 1,00,000 वाला बंदा अगर ले रहे हो तो आप अगर सही बंदा हुआ तो आपको वो एक बढ़ा के देगा, सेल बढ़ा देगा, ठीक है. तो वो आई थिंक इट्स क्या बोलेंगे यार, हिट एंड मिस तो नहीं बोलेंगे, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है. आप रखते हो लोगों को, देखते हो, निकालते हो, चलता रहता है, ठीक है. बट इवेंचुअली यू नीड टू हैव अ गुड टीम, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस स्केल करता है. तो अगर आपको बिजनेस स्केल करना है तो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट मेंटालिटी कि मैं लीन खुद ही सब कुछ करूँगा, बस खुद करना है. एक टाइम यही था कि मैं आज से 4-5 साल पहले फेसबुक पे एड्स भी मैं चला रहा था, डिज़ाइन भी मैं ही कर रहा होता था, ऑपरेशंस भी मैं ही देख रहा, मतलब ओवरसी मैं जाके देख रहा हूँ, ठीक है, डिलीवरी वाले को भी मैं देख रहा हूँ, कोरियर सब चीज़ें, मतलब सारी ऑपरेशन मैं अपने हाथ, सारी रेंज मैंने होता था यार कि मैं, और वो क्वालिटी कंट्रोल का भी वो होता है, एग्जैक्टली हाँ, छोड़ूंगा तो क्वालिटी, प्राइसिंग क्या हो रही है, टैगिंग क्या हो रही है, सॉर्टिंग क्या हो रही है, तो मगर वो चीज़ ग्रो नहीं उस हिसाब से होती. यू नीड टू लर्न टू लेट गो, ठीक है. तो वही करना पड़ा. अब ये है कि हर चीज़ के हेड्स बन गए हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट के, उससे चीज़ ग्रो ही होती है. तो आप खुद कितना इन्वॉल्व हैं इसमें? मैं तो फुल टाइम इन्वॉल्व हूँ. आई एम स्टिल लाइक इट्स नॉट एन ईजी बिजनेस, वाली बात है ना. तो हर चीज़ सप्लाई को मैं खुद पर्सनली देख रहा होता हूँ, सप्लाई मैंने किसी और के हाथ में नहीं दी हुई. फिर यह है कि रिपोर्टिंग हर चीज़ की रखी हुई है, तो वो मैं डेली बेसिस पे, फिर यही है कि वो ऊपर नीचे जो चीज़ जा रही है तो मैं उसको आके वो देख, फुल टाइम इसी में हूँ. मतलब सुबह 9 से रात 9 6 वाला तो 12 घंटे की है तो चल रहा होता है. बल्कि कभी ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ तो ट्रैवलिंग का मुझे एक है, शौक है, ठीक है. आई ट्राई टू ट्रैवल once in every 2-3 months. मगर यह कि काम जो है ना, वहाँ बैठ के लगा रहता हूँ. कभी दोस्तों के साथ निकलना हूँ, वो कहता है यार तुम ट्रैवल क्या करने आए हो, तुम बैठ के अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हो और बेहतर सीनरी के अंदर काम हो रहा है. तो बस यही है, ऐसे ही होगा. खैर भाई, मैं यहाँ पे एक लोगों को बात बताना चाहूँगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं कैमरे में देख के बताया हूँ. बहुत सारे लोग अक्सर मुझे सवाल पूछते हैं यार ये जूता आपके पास कहाँ से आया, ये कहाँ से लिया आपने. तो मेरे काफ़ी सारे जूते तो उस्मान भाई अपने सूटकेस में लेकर आए अमेरिका से. आई थिंक 2 या 3 ट्रिप्स तो हो गई है ना, और पूरे सूटकेस भर कर आए. तो ये फ़ायदा होता है सेठों के साथ दोस्ती होने. बट नहीं यार उस्मान भाई, बड़ा मज़ा आया. एंड आई होप कि आपका पहला पॉडकास्ट जो है वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो. नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त. एंड आई होप कि लोग जो सुन रहे हैं उनको काफ़ी इंसाइट्स मिली हूँ. तो अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए. थैंक यू उस्मान भाई सो मच. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो मैं और जूते मंगवाऊंगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.